नमस्कार, मेरा नाम है संकेत मात्रे और मैं एक वॉइस आर्टिस्ट हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे तमन फिल्म के लीड एक्टर बाबूशान मोहंती जी के कैरेक्टर के लिए वॉइस देने का मौका मिला। दोस्तों, दमन को लेकर आए एक और बहुत ही बड़ा अपडेट। तो क्या अपडेट है और इस वीडियो में संकेत मात्रे ने दमन फिल्म के बारे में क्या बोला है, सभी जानेंगे हम इस वीडियो में। उससे पहले दोस्तों, मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, क्योंकि हम ऐसे ही फिल्मों के अपडेट आपके लिए लाते रहते हैं। ये वीडियो अभी एक घंटे पहले ही दमन के डायरेक्टर विशाल मौर्य ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया। संकेत मात्रे सर ने क्या बोला इस वीडियो में, सभी बातें एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना और एंड तक देखना। तो वीडियो में सबसे पहले इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद दमन की टीम का धन्यवाद किया कि भाई दमन की डबिंग के लिए मुझे बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। खैर, आगे उन्होंने एक पुरानी बात बताई कि कुछ दिन पहले मुझे बहुत सारे लोगों के एक साथ मैसेज आने लगे कि सर क्या आप दमन की डबिंग कर रहे हैं और आपको दमन की डबिंग करनी चाहिए वगैरह वगैरह इस तरह से। अब ये 11 तारीख से 15 तारीख के बीच की बात है, जब आप लोगों को बताऊंगा बहुत सारे लोग वीडियो बना बनाकर डाल रहे थे कि दमन की डबिंग जो वो वॉइस आर्टिस्ट संकेत मात्रे करने वाले। लेकिन दोस्तों, संकेत मात्रे सर ने वीडियो में बताया कि उस टाइम मुझे दमन फिल्म के बारे में पता भी नहीं था। उसके बाद मुझे एकदम से दमन के मेकर्स का कॉल आया और दमन की डबिंग के लिए बोला गया। अचानक एक दिन कॉल आ गया कि हमें आपके साथ रिकॉर्डिंग करनी है। और अब इसके बाद दोस्तों, इन्होंने आगे बताया कि दमन की डबिंग जो है वो आज कंप्लीट हो चुकी है और आज वो दिन था, आज हमने रिकॉर्डिंग पूरी कर ली है और बाकी। तो दमन की डबिंग जो है वो दोस्तों आज कंप्लीट हो चुकी है और यही इस वीडियो में सबसे बड़ा अपडेट था। बाकी हम बात करते हैं आगे संकेत सर ने क्या क्या बोला। तो आगे इन्होंने फिल्म के बारे में बताया, दमन की रिकॉर्डिंग के लिए मुझे बुलाया, सभी का धन्यवाद। और इसी के साथ हिंदी में भी मुझे सबसे पहले दमन को देखने का सौभाग्य मिला। इसके अलावा दमन के बारे में इन्होंने बोला कि भाई ये एक सत्य घटना पर आधारित फिल्म है और इसकी हाइप भी अभी के टाइम में काफी ज्यादा बनी हुई है, तो उस हिसाब से फिल्म काफी अच्छी चलेगी। चूंकि ये सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्म है तो इसीलिए इसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा है। और उसके बाद दोस्तों, सभी को धन्यवाद कहते हुए उन्होंने वीडियो बंद कर दिया। बाकी दोस्तों, अभी इसकी डबिंग खत्म हो गई है तो अभी इसका काम ट्रेलर पर शुरू होगा और जल्द ही आप लोगों को इसका ट्रेलर हिंदी में देखने को मिलेगा। अब ट्रेलर की कोई ऑफिशियल डेट तो नहीं है, दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको कंफर्म ही ये देखने को मिल जाएगा। बाकी इस फिल्म की हिंदी रिलीज डेट तो मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं, इस फिल्म को 15 या 16 दिसंबर को हिंदी में रिलीज किया जाएगा। बाकी दोस्तों, अपडेट कैसा लगा और ऐसे ही और फिल्मों के अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो।